सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फ्लोरा पार्क। सो आज जो प्लांट आप लोग देख पा रहे हैं उसको एप्पल बेर और इंडियन जुजुबा भी बोलते हैं, और बंगाली में इसको कूल बोलते हैं। आप सब लोग जानते हैं जो बंगाली लोग ये वाला वीडियो देख रहे हैं, तो ये वाला जो होता है ये थोड़ा बड़ा वाला साइज़ का एक आता है, वो वाला ये वाला वेराइटी है। और ये वाला सारा पेड़ ग्राफ्टिंग करके हम लोग बनाए हैं, तो इसमें फल भी जल्दी से आएगा। तो इसका जो एक्चुअली प्राइस है बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा। हम लोग ओनली 150 रुपीज़ में आप लोगों को ये वाला प्लांट दे रहा है, और ऑल ओवर इंडिया हमारा डिलीवरी है, कोई इशू नहीं है। तो आप लोग घर बैठे ये वाला प्लांट आप मंगवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत ही हेल्दी प्लांट है। और ये वाला थोड़ा बड़ा है, इससे थोड़ा छोटा वाला भी है हमारे पास। इतना बड़ा वाला ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही प्रॉब्लम आता है, पैकेजिंग में और कुरियर में। तो हम लोग थोड़ा छोटा प्लांट इससे हम लोग देंगे आपको, और सेम क्वालिटी का ही रहेगा, मुश्किल नहीं है। तो आपको अगर ये प्लांट चाहिए तो हमारा फेसबुक पेज द फ्लोरा पार्क में जाकर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल जो है द फ्लोरा पार्क के नाम से, उधर आप कॉमेंट कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर पर भी हम लोग मैसेज कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं ये वाला प्लांट, और ये वाला प्लांट का जो फ्रूटिंग का टाइम है, ये वाला भी विंटर में है। तो आप सब लोग जानते हैं विंटर अभी आने वाला है, तो विंटर के पहले आप लगाएंगे ये वाला प्लांट, तो विंटर के टाइम पे ये वाला प्लांट में बहुत अच्छे से आपका फल आएगा और आप लोग वो वाला एंजॉय कर सकते हैं। तो ये वाला प्लांट का केयरिंग में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जब फ्रूटिंग और फ्लावर जब आता है ये वाला प्लांट में, तो इसको बहुत सारा जो खाद है वो वाला डालना पड़ता है, तो आपको वो वाला ध्यान रखना पड़ेगा। और फ्लावरिंग जब होगा इसमें शूटिंग के पहले, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसमें आपका फंगीसाइड डालना ही डालना है, और देखना पड़ेगा कोई कीड़ा वगैरह आ रहा है कि नहीं, नहीं तो वो वाला सारा ख़राब हो जाएगा और आपका फ्रूट नहीं आएगा पेड़ में। तो ये वाला ध्यान रखना है। और इसका सॉइल का जो है, आपको वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए, पानी इसको ज़्यादा चाहिए और धूप भी बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन आपको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपका पेड़ में फ्रूटिंग के टाइम जो है वो विंटर के पहले फ्रूटिंग हो जाता है और मैच्योर हो जाता है आपका फल, तो वो वाला कलर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा आपका। अगर पूरा पूरा विंटर के सीज़न में आपका फल पूरा ग्रोथ होके जो एजिंग कंप्लीट होगा, तो उसका कलर बहुत अच्छा से आएगा और स्वाद भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही बहुत सारा रिजनेबल प्लांट का वीडियो हम लोग लाते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। तो ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।